हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DDS न्यूज़ में। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत DMRC ने अपनी नई वेबसाइट और ऐप को लॉन्च कर दिया है। ये वेबसाइट और ऐप दो लैंग्वेजेस में यानी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं अभी। और वेबसाइट के एड्रेस है www.delhimetrorail.com और DMRC के ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। DMRC के MD मंगू सिंह ने 23 फरवरी 2022 को फाइनली अपने वेबसाइट और अपने ऑफिशियल ऐप को लॉन्च कर दिया है। अब इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे खास क्या है, इस पे इंटरैक्टिव रूट मैप है मेट्रो स्टेशन का, रियल टाइम फर्स्ट और लास्ट ट्रेन कैलकुलेटर यानी पहली और आखिरी ट्रेन किसी भी स्टेशन पे कब आएगी ये आप जान सकते हैं, अगले और नज़दीकी स्टेशन का अलर्ट और इस तरह की बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज इस ऐप पे अवेलेबल है। इसके अलावा मेट्रो में ट्रैवल करने का किराया, अलग अलग स्टेशन पे जाने का किराया और टाइम टेबल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टेशन पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं इसके बारे में भी आप इस ऐप के थ्रू जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली में नए हैं और आपको नहीं पता कि कहाँ आपको जाना चाहिए घूमने, तो इस ऐप में स्पेशल फीचर है जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके आसपास कौन सी खास घूमने वाली जगहें हैं। इसके अलावा एक स्पेशल पुश नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल अलर्ट है, नेक्स्ट स्टेशन अलर्ट, जिससे लोग अपना स्टेशन मिस नहीं करेंगे। आपको बता दें, DMRC की पुरानी वेबसाइट पे कॉरपोरेट प्रोफाइल या कॉरपोरेट संबंधी जानकारियाँ थी वो ज़्यादा थी, पर इस बार जो ये न्यू वेबसाइट है इस पे ज़्यादा जानकारी यात्री संबंधी सूचनाओं पे यानी यूज़र्स के लिए दी गई है। अब आइए जानते हैं DMRC के MD मंगू सिंह ने इस इवेंट पे क्या कहा। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली DMRC से रिलेटेड या देश भर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो। आज इस अवसर पर पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर, जबकि आज एक बहुत ही एडवांस्ड वेबसाइट का जो लॉन्च किया गया है और साथ ही साथ मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। जैसा कि आपने देखा, फीचर्स बताई गई हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन है ये हार्डली 5% है। जो वेबसाइट की कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम श्योर कि जब आप इसको इंटरेक्ट करेंगे, इसके साथ में वेबसाइट पे रहेंगे, तो यू विल फाइंड कि वेबसाइट बहुत इंफॉर्मेटिव है। और जैसा कि आपने देखा कि हमने सभी दुनिया की सभी अच्छी मेट्रो से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और देखा कि वो लोग क्या अपनी वेबसाइट पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो भी बेस्ट जो भी वहाँ अवेलेबल था उस सबको हमने अडॉप्ट किया। और कई फीचर्स जो कहीं नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट स्टेशन अलर्ट, वो कहीं किसी और मेट्रो के पास नहीं है, जो हमने इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से जो हमारी एक रिजॉल्व है दिल्ली मेट्रो का कि हम पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा जर्नी इस तरह से दें ताकि वो उनके लिए बहुत आरामदायक हो, बहुत सुखद हो, और जो फेथ दिल्ली मेट्रो पर बनाया हुआ हमारे सभी कम्यूटर्स में वो बना रहे। ये जैसा कि बताया गया है, एक डायनेमिक सिचुएशन है। ये टेक्नोलॉजी जो IT की टेक्नोलॉजी है, ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कि जो आज हमने सब कुछ किया है, हो सकता है 1 या 2 साल 3 साल बाद ये लगे कि ऑब्सोलीट है और बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम सजेशंस मांग करें आप लोगों से और कम्यूटर्स से, हमारे जो पैटर्न हैं उनसे, और प्रयास करते रहें कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़े आगे, IT सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हो, तो ऐसे ही हम अपनी वेबसाइट को, मोबाइल ऐप को डेवलप करते रहें।